आइए दोस्तों आज दिखाते हैं एमसीबी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है दोस्तों सबसे पहले हमको रूम रोमाइल रूम तार लुपिंग करना है दोस्तों मेरे पास ढाई एम का टुकड़ा है और ढाई एम का में मैंने चार टुकड़ा कर लिया अब एम लेना है दोस्तों इस एम को निचले वाला जो पॉल होते हैं इसमें टाइट करना है एक टुकड़ा ले मैंने ये दोनों टुकड़ा टाइट कर दिया फिर मैंने दूसरा एम के लिए टुकड़ा जोड़ करके फिर दूसरा एम में मैंने डाल दिया ये मैंने कर लिया फिर चौथा एम में भी हमको इसी तरह करना है दोस्तों देखते चलिए फिर चौथा एम सी और चौथा एम तक मेरा कनेक्शन हो चुका है अब एक वायर जो जिसमें लेना है हमको जिससे फेज इनपुट होगा जो दोस्तों ये चारों एम में आप किसी भी से ले सकते हैं ये हमने यहाँ से कोई एम को लुच करके और हल्का सा पुश करके इसको टाल लेना है ऊपर से और रूम बाइज रूम और कितना लोड है लोड आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा उस उतना ही पावर का एमसीबी सी देना है ये हमारा आर है और इसका भी कनेक्शन होगा आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में ठीक दोस्तों ये मेरा चार रूम का चार न्यूट्रोल है चार फेज है ये देख लीजिए दोस्तों ये हमारा फेज है फेज फायर सारा एम के ऊपर वाला पॉल में जाएंगे ये वाला पॉल में हमको खोल के आराम से टाइट कर देना है फिर दूसरा रूम का लेना है ये वाला को भी हमको टाइट कर देना है फिर तीसरा रूम लेना है तीसरा रूम को भी हम टाइट कर दिए उसके बाद चौथा रूम का भी लेना है चौथा रूम का भी हमने टाइट कर दिया दोस्तों दोस्तों अब देखना है न्यूट्रल कैसे होगा न्यूट्रल एक जो पत्ती टर्मिनल डला हुआ रहता है आपके एमसीबी में रहते हैं ये एमसीबी में हम कहीं भी किसी में भी न्यूट्रल टाइट कर सकते हैं हमारे अभी मेरे पास न्यूट्रल को लेना है और बहुत सारे नट रहते हैं ये न्यूट्रल को हमने टाइट कर दिया दूसरा न्यूट्रल को भी हमने टाइट कर दिया दूसरा न्यूट्रल को भी नट खोल के टाइट कर देना है और तीसरा न्यूट्रल को भी टाइट कर देना है अच्छे से और चौथा न्यूट्रल को भी हमको टाइट उसी के कोई भी टर्मिनल में हम कर सकते हैं ये हमारा चार न्यूट्रल हो गया अब दोस्तों इसका कनेक्शन हो गया और मेन लाइन किस तरह से आएगा एमसीबी में हमारा तो दोस्तों वहाँ से हमको जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वहाँ से एक तार लेना है यहाँ हमारा फेज आ चुका है अब दोस्तों ये हमारा फेज जो टुकड़ा बचा था इसको हम कुआर से में डालना है ये हमने डाई एम का टुकड़ा है और एक डाईमएम का और टुकड़ा लेना है जो मेरा वाला पत्ती से आएंगे ये मेरे पास हो गया फेज और नोटोल दोनों रूम को मेरे चारों रूम को फेज नोटोल अब हम देंगे किस तरह से देना है ये देख लीजिए आप लोग अब हम आर सी बी में कनेक्शन करते हैं ये हमारा इसको थोड़ा सा मोड़ देना है और उसको भी मोड़ के ये हमारा ऊपर वाला जो पोल होते हैं आर सी बी का ऊपर वाला पोल में हमको न्यूट्रल और फेस डालना है तो देखिए दोस्तों इसमें ऊपर ही डाला जाता है आर सी बी में नीचे नहीं डालना है ठीक नीचे हमारा इनपुट नीचे हमारा इनपुट आएगा चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा तो प्लीज़ हमारा चैनल ऐसा ना इलेक्ट्रिशियन को सब्सक्राइब कर दे और आइकन दबा दे दो